ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या स्ट्रैटेजी आपकी होने वाली है आपके ऑप्शन फॉर्म को फिल करने के लिए। MSTCET 2022 के काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका आप सारे बच्चों को इंतजार था। फाइनल रैंक लिस्ट आपको आ चुकी है, आपको फाइनल रैंक प्रोवाइड कर दिया गया MSTCET के द्वारा, और अब उसके हिसाब से आपको देखने हैं कि भाई आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलेगी एंड मेक श्योर होगा कि आप कोई भी मिस्टेक्स जो है वो ना करो, ठीक है। तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके सर, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी के बारे में, बेस्ट क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास में हो सकती है MSTCET के चॉइस फिलिंग के लिए। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आपकी जो भी परसेंटाइल है और या फिर जो भी आपकी रैंक है, फाइनल मेरिट रैंक आपको मिली है, पहले प्रोविजनल रैंक आपको मिला, फिर अब आपको फाइनल रैंक आपको मिला, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से कि पिछले साल, पिछले कुछ दो तीन साल के आप कट ऑफ्स देख लो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपके रैंक के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल होंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, सपोज कर लो आपकी परसेंटाइल है 85, ठीक है, आपको सबसे पहले तो देखना है कि 85 परसेंटाइल के अराउंड कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि 85 परसेंटाइल के अराउंड जो जो कॉलेजेस हैं वो वही भर देते हैं। दिस इज़ अ मिस्टेक, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि 85 के ऊपर 90, 92, 93, 94, 95 परसेंटाइल में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जो ऊपर हैं आपको पता है आपको वो नहीं मिलने वाले, बट स्टिल आपको चॉइस फिलिंग के अंदर में वो डालना है। चॉइस फिलिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था COEP में कंप्यूटर साइंस, तो आपकी चॉइस फिलिंग में भी COEP कंप्यूटर साइंस टॉप में होना चाहिए अगर आपको वो चाहिए था। तो चॉइस फिलिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए ये सोचना है, क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है, वो आपके हाथ में नहीं है, क्या चाहिए ये सोचना है। ये सोच के फ़ायदा क्या होता है, बच्चे बोलेंगे सर मिलेगा तो है नहीं तो डाल के क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको नुकसान से बचाता है, ये आपको ऐसे सिचुएशन से बचाता है कि आपको कोई अच्छा चीज़ मिल रहा था वो आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने वो चॉइस फिलिंग के अंदर में डाली ही नहीं है। हर साल का कट ऑफ सेम तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, कुछ अगर वैकेंट सीट्स रहेंगी तो वो आपको आगे के राउंड में मिल सकती है, स्पेशल राउंड भी कंडक्ट होता है। तो आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ें नहीं मिलेंगी लेकिन अच्छी हैं उसको ऊपर रखो चॉइस फिलिंग में, बीच में वो चीज़ें रहेंगी जो आपको एक्चुअल में मिलने वाली है, जो आपको भी पता है और जो मिलेंगी भी, और नीचे वो चीज़ें रहेंगी जो आपको नहीं चाहिए, वो घटिया है और वो आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन वो आपको बैकअप में रखना है, ठीक है। तो अगर आपके ईयर में आपको थोड़ा सा फेवर किया आपका रैंक तो आपको ऊपर की चीज़ें मिलेंगी, अगर कम फेवर किया तो नीचे की चीज़ें मिलेंगी, और अगर पहले के जैसा रहा, जैसा ट्रेंड चलता आ रहा अगर वैसा ही रहा तो जो बीच की चीज़ें वो आपको मिलेंगी। तो चॉइस फिलिंग हमेशा आपके लिए ऐसी होनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हों वो ऊपर, जो मिलने वाली हो वो बीच में, जो गंदी चीज़ें हों जो आपको नहीं चाहिए बट बैकअप, अगर अच्छी चीज़ें और एवरेज चीज़ें नहीं मिली तो गंदी चीज़ें तो मिलेगी कम से कम, फिर आप उसको बेटरमेंट पर डालोगे आगे के राउंड में, तो नीचे आपके और कॉलेजेस होने चाहिए। तो ये आपकी एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं इसको पर्सनली फॉलो करता हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग के अंदर में, पेड काउंसलिंग आयुषबिया काउंसलिंग के अंदर में, आप भी रजिस्टर कर सकते हो इसके अंदर में। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आपको एनरोल करना है। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा विद इन फ्यू आवर्स एंड आपके परसेंटाइल रैंक के हिसाब से आपको मैं चॉइस फिलिंग का लिस्ट दूंगा, पर्सनलाइज बना करके आपके लिए मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर दूंगा जो आप कैप राउंड के अंदर में उसको फिल कर पाओगे। तो हम यार इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम किसी भी बच्चे की कोई भी परसेंटाइल हो, सपोज 45 परसेंटाइल हो, तो हम उसको सिर्फ 45 परसेंटाइल के कॉलेजेस नहीं देते हैं, हम उसको 60-65 परसेंटाइल से स्टार्ट करके उसको नीचे 30-35 परसेंटाइल तक कॉलेजेस देते हैं, ताकि अगर उसको, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको बेटर चीज़ मिलने के चांसेस होंगे, और अगर उसकी किस्मत ख़राब हुई तो आपको उसके नीचे की चीज़ें मिलने के चांसेस होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर आपके परसेंटाइल 95 है तो आप क्या करते हो, सिर्फ 95, 94, 93 ये सारे भर करके छोड़ देते हो, नहीं आपको 97, 98, 99 वो भी भरने हैं, वो भी भरने हैं। एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपकी परसेंटाइल है उससे बेटर जो चीज़ें वो भी आप भरो, और उससे ख़राब जो चीज़ें हैं वो भी आप भरो। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी
फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, चाहे वो जोसा का हो चाहे वो MSTCET का हो। और MSTCET के अंदर में ये फॉलो करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि MSTCET में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई कौन सा भरे कौन सा ना भरे, इसलिए ये चीज़ MSTCET में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक है, कि भाई हाँ ये कॉलेजेस है, आपको पता होना चाहिए हाँ ये इतने परसेंटाइल पे पहले क्लोज हुए थे। अगर आपको नहीं पता है आप हमारे काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, हम आपको लिस्ट दे देंगे, आप उसको रेफर करके अपना जो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हम कभी ये नहीं कहते कि आप कॉपी करो, बट उसको रेफरेंस में अगर आप लोगे तो आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। जो आप 4 घंटे 5 घंटे खुद की रिसर्च करोगे, आपका 15 से 20 मिनट में काम हो जाएगा। हमारे से आपको PDF मिल जाएगा पर्सनलाइज्ड आपके रैंक और परसेंटाइल के हिसाब से, एंड आप उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आपके MSTCET काउंसलिंग रिलेटेड और कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो आप पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आप सबको जवाब देने का। बाकी और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जो AR स्क्वाड के कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को आप सब हेल्प करते रहते हो, वो भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।